मैं भगवती पांडे, आप देख रहे हैं स्टडी विथ मी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी सीरीज माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना कैदी और कोकिला। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले हमारा भारत देश परतंत्र था, यहाँ अंग्रेजों का राज्य था और अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक महापुरुषों ने संघर्ष किया। महात्मा गांधी जी का नाम उनमें प्रमुख है। तो महात्मा गांधी जी की ही देश को स्वतंत्र कराने के व्रत पर माखनलाल चतुर्वेदी जी भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और अंग्रेजों ने उनको कैद में डाल दिया। कैद में गए तो कवि थे वे, साहित्यकार थे, रचनाकार थे, अतः कैद में रह कर के भी वे जो हैं अपनी रचनाएं करते रहे। जो वे इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए कोयल के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। देखिए कैदी और कोकिला। कैदी कौन है यहाँ पर? कवि माखनलाल चतुर्वेदी। और कोकिला, कोकिला का तात्पर्य है कोयल, क्योंकि कवि ने ऐसी कल्पना की है कि अंग्रेजों के जो अत्याचार हैं उससे पीड़ित होकर के, जो भारत की जनता अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित हो रही थी, उसको देख करके कोयल, जो कि मधुर गीतों को गाने वाली है, अर्धरात्रि में वे चीख पड़ी है, चिल्ला रही है। तो कोयल को संबोधित करके लिखी गई यह रचना है कैदी और कोकिला। देखिए, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो कोकिल, बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल, बोलो तो। पूरा प्रश्न शैली में लिखी गया काव्य है। कह रहे हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो कोकिल, बोलो तो। अरे कोयल, तुम बोलो तो क्या गा रही हो, और गाते गाते तुम क्या क्यों रह जा रही हो कोयल, बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल, बोलो तो। कि अरे कोयल, तुम किसका संदेशा लाई हो, बोलो तो। अर्थात प्रश्न शैली में लिखी गई है कविता। अब कवि अपनी दशा का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कवि का कहना है कि जो कारागार है, जो जेल है, वहाँ जो उनको यंत्रणाएं दी जाती हैं, जो यातनाएं दी जाती हैं, उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैं इस कारागार की ऊंची और काली दीवारों के घेरे में हूँ। यहाँ डाकू, चोर और बटमार, बटमार मतलब लुटेरे, बट मतलब होता है, बटमार का मतलब तात्पर्य है जो राहगीरों को लूट लेते हैं, यानी कि डाकू चोरों और लुटेरों का जो डेरा है, जो निवास स्थान है, अर्थात वह कारागार, यहाँ मैं रह रहा हूँ। अब अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार का वर्णन कर रहे हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यहाँ पर हम कैदियों को जीने के लिए पेट भर खाना नहीं मिलता है, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और मरने भी नहीं देते हैं, अतः हम लोग तड़प कर बेबस होकर के रह जाते हैं। यानी कि कारागार है, पराधीनता है, और ऊपर से उनके कारागार में हैं कभी। तो कह रहे हैं कि यह अंग्रेज शासक हमें जीने के लिए पेट भर खाना नहीं देते हैं, भरपेट खाना नहीं देते हैं, और मरने भी नहीं देते हैं। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो व्यक्ति पूरी तरह से नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, और थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो खाली जीवन बना रहेगा, उसकी इच्छाएं उसको तृप्ति नहीं होगी।
जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, हमारे जीवन पर, हम कैदियों के जीवन पर जो किसके लिए गए हैं, देश की आजादी के लिए कारागार में बंद हैं, हमारे जीवन पर अब रात दिन कड़ा मतलब मजबूत पहरा मतलब पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, यह शासन है या तम, तम का तात्पर्य होता है अंधकार, या गहरा अंधकार है, यानी कि जिस तरह से गहरे अंधकार में कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसी तरह से अंग्रेजी शासन भी क्या हो गए हैं, विवेकहीन हो गए हैं, उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर का तात्पर्य है चंद्रमा। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, चंद्रमा भी निराश होकर के चला गया और यह रात्रि भी काली है, यानी कि कवि कह रहे हैं कि पूरी प्रकृति भी जो है अंग्रेजों के अत्याचार के कारण रो रही है, निराश हो गया है, चंद्रमा को निराश बताया गया है। चला रात भी काली, क्योंकि चंद्रमा जो है निराश होकर के चला गया है और यह रात्रि भी काली है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, और अरे काले रंग की कोयल, कालिमा मई यानी कि काले रंग से युक्त कोयल आली, आली का मतलब होता है सखी, सहेली, दोस्त। कह रहे हैं कि अरे सखी, अरे मित्र, तुम इस समय इस काले रंग की जो तुम कोयल हो, तुम इस समय क्यों जागी हुई हो, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, क्यों हूक पड़ी। हूक मतलब होता है पीड़ा, दर्द। हूक वो वाला पीड़ा नहीं होता जो कि हमको चोट लगने से, हूक मतलब होता है अंदर की पीड़ा, हृदय की पीड़ा, मन की पीड़ा, उसको हूक कहा गया है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कि क्या तुम्हें, हमें देख, हम पराधीन कैदियों के हाल को देख करके तुम्हारे हृदय में पीड़ा उत्पन्न हो गई है। कोयल बोलो तो क्या लूटा, कोयल बोलो